काफ़ी झोल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से काशीपुर निकाय चुनाव को, पार्षदों का चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण की सूची जारी करी है, तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा समर्थित पार्षदों को छोड़ करके सारे पार्षदों को नगर निगम में दोबारा वापस न लाने की एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्तमान में बीजेपी के जो वर्तमान में पार्षद हैं, उन सभी की सीटों को सामान्य किया गया है। और जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ को नगर निगम के अंदर जोरों शोरों से उठाते हैं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए निर्दलीय पार्षद हो या फिर कांग्रेस के पार्षद हो, उन सबकी सीटों को जो है महिला किया गया है, ताकि उनकी आवाज़ दबाई जा सके और महिलाओं को निर्दलीय और कांग्रेस की महिलाओं को जो है निगम में बिठा करके उनकी आवाज़ को डराया धमकाया जा सके। इसलिए बीजेपी के पार्षदों को सामान्य सीट दी गई है और निर्दलीय और कांग्रेस के पार्षदों को महिला सीट दी गई है। कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और हम मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि ये पुनः जो है इस पर विचार किया जाए और ठीक तरीके से आरक्षण की स्थिति क्लियर की जाए।